मैं मोहम्मद आरिफ खान फ्रॉम वुडबाइन मॉडर्न स्कूल दरभंगा। बच्चों, आज मैं उर्दू की क्लास में फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज जो मैं आपको सबक पढ़ाने जा रहा हूँ, आपकी उर्दू रीडर बुक से है। ये मेन बुक है, ये उर्दू रीडर। सबक का नाम है टीपू सुल्तान। देखिए, टीपू सुल्तान वो एक ऐसे सुल्तान है जो हमारे हिंदुस्तान में आज से 250 साल कबल गुजरे हैं। हमारे मुल्क में ऐसी शख्सियत पैदा हो चुकी हैं जिन्होंने वतन अजीज के लिए अपनी कीमती जाने निछावरें कर दी। उन्हीं में से एक हैं टीपू सुल्तान। उन्हीं के बदौलत जनूबी हिंदुस्तान में मैसूर शहर की तारीखी अहमियत हासिल है। बच्चों, यहाँ पे तवज्जो दीजिएगा, मैसूर शहर। मैसूर उस जमाने में एक शहर का नाम था, लेकिन अब वो मैसूर शहर तो इस वक्त मैसूर एक शहर का नाम है, लेकिन उस वक्त वो मैसूर एक रियासत था, एक रियासत का नाम था, एक सूबा का नाम था, और वो एक खुद मुख्तार रियासत थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस वक्त मैसूर एक रियासत का नाम था, इस वक्त एक शहर का नाम है। कर्नाटक एक स्टेट का नाम है हमारे मुल्क में, कर्नाटक, उसी का एक शहर है मैसूर इस वक्त, लेकिन उस वक्त एक रियासत था। आज से तकरीबन 250 साल कबल हैदर अली नाम का एक मामूली सिपाही था। रियासत मैसूर में एक राजा थे, उनके दरबार में हैदर अली नाम के एक, तो बच्चों हैदर अली नाम का एक मामूली सिपाही रियासत मैसूर में काम करते थे। वो अपनी हिम्मत और मेहनत से तरक्की करता हुआ मैसूर के रियासत का एक दिन हुक्मरान बन बैठा। हुक्मरान जानते हैं, हुकूमत करने वाले को हुक्मरान कहते हैं। 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में अंग्रेजों ने मद्रास में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। वो एक एक करके जनूब की रियासतों को हड़प कर अपने इख्तियार को मजबूत करना चाहते थे। इसी सिलसिले में उसने हैदर अली की तरफ भी अंग्रेजों ने कदम बढ़ाया। हैदर अली बखूबी जानते थे कि अंग्रेज हमारे कट्टर दुश्मन हैं। वो एक एक करके रियासतों को हड़प करना चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए हैदर अली ने उनसे मुकाबला को ठानी है। हैदर अली अंग्रेजों के चालों को अच्छी तरह जानता था। उसने खुदा पर भरोसा करके अंग्रेजों से जंगे की, अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। 1782 में हैदर अली का इस तरह इंतकाल हुआ, लेकिन जब तक हैदर अली जीता रहा लगभग दो जंगें हुई हैदर अली से अंग्रेजों की। दोनों जंगों में अंग्रेजों ने अपनी मुंह की खाई, अंग्रेज आगे नहीं बढ़ सके। हैदर अली हमेशा अपनी रियासत से उसको दूर ही रखा। हैदर अली के इंतकाल के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान सल्तनत पे बैठा। टीपू सुल्तान के बारे में बता दें कि हम तो इनका बच्चों जैसा छोटा सा है टीपू, लेकिन बहुत ही आला दर्जे के बहादुर थे। टीपू सुल्तान की आला तालीम का इंतजाम हैदर अली ने बहुत पहले कर रखा था। उसकी बेहतरीन जंगी उन्होंने टीपू सुल्तान को बेहतरीन जंगी जंगे जंगों की सलाहियत और तरबियत दी थी। टीपू अपने बाप की तरह दलेर और हिम्मतवर था। टीपू को शिकार का बहुत शौक था। अब वो हमेशा अपना शिकार तलवार से किया करता था। बच्चों, इसीलिए टीपू सुल्तान के साथ टीपू सुल्तान की तलवार बहुत मशहूर है। द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान बहुत मशहूर है। टीपू ने अपने वालिद के साथ बहुत सी जंगों में शिरकत की, इसलिए टीपू सुल्तान को जंग का तजुर्बा हासिल था। रियासत मैसूर पर अंग्रेज ये चाहते थे कि कब्जा कर ले। टीपू सुल्तान भी अपने बाप की तरफ बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहते थे, पहले से ही तैयारी में थे। आखिर 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को अपने शर्तों पर सुलह करने के लिए मजबूर कर दिया। अंग्रेज एक बार और झुके टीपू सुल्तान के साथ। उन्होंने जंगों के जो कदम आगे बढ़ाए थे जंग के लिए, अंग्रेज फिर पीछे हट गए और टीपू सुल्तान अपने शर्तों पे सुलह करने के लिए मजबूर कर दिया। जंग को हरगिज पसंद नहीं करता था। अंग्रेजों ने उन पर जबरदस्ती जंगें थोपी थी, वो नहीं चाहता था जंग, लेकिन वो मुल्क पर कब्जा के खिलाफ भी था। वो नहीं चाहता था कि हमारे मुल्क पर अंग्रेजों का कब्जा हो। बच्चों, यहाँ पे एक चीज और आपको वाजह कर दे कि
औरंगजेब बादशाह, मुगल बादशाह औरंगजेब के इंतकाल के बाद हमारे हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतें खुद मुख्तार हो गई और मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू हो गया था। इसको तवज्जो दीजिएगा, काफी ख्याल रखिएगा कि औरंगजेब के इंतकाल के बाद मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ते ही मुल्क के मुख्तलिफ रियासतें खुद मुख्तारी का अपने ऐलान कर दिया, जैसे बंगाल के अलग नवाब बन गए, अवध के अलग नवाब बन गए, आपने सुना होगा अवध का नवाब। उसके बाद मैसूर के अलग, मराठे अलग हो गए, राजपूत अलग हो गए, सिख अलग हो गए, तो हिंदुस्तान कई सूबों में उस वक्त बटा हुआ था। अंग्रेजों ने उसी का फायदा उठाया। वो क्या करते थे कि दो रियासतों को कभी लड़ा देते थे, कभी एक रियासत का साथ देकर दूसरे पर चढ़ाई कर देते थे और उस पर कब्जा कर लेते थे। इसी तरह मैसूर के लिए भी उन्होंने भी यही चालें चली, लेकिन टीपू सुल्तान अच्छी तरह जानते थे कि वो इस तरह की चालाकी कर रहा है, इसलिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए बिलाखिर शहीद हुए और जीते जी अपनी रियासत को अंग्रेजों के हवाले नहीं किया। टीपू सुल्तान ने बहुत थोड़ी से मुद्दत में अपनी हुकूमतें की, लेकिन उसने बहुत सारी इस्लाहात किए, भलाई के काम किए, अपने हम वतनों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए वो बराबर कोशिश करते रहे। उसने आला तालीम हासिल कर, उन्होंने आला तालीम के लिए एक उस जमाने में एक यूनिवर्सिटी कायम की। टीपू ने बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को भी खत्म किया, उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां भी थी, उसको खत्म किया। टीपू सुल्तान ने तजारत सनत को भी तरक्की दी। टीपू के दूरंदेशी का यह नतीजा लगाया जा सकता है कि मुल्क की बनी हुई चीजों पर ही को इस्तेमाल पर ही वो ज्यादा जोर दिया करता था, गैर मुल्की चीजों के इस्तेमाल से लोगों को रोका करता था, यानी कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल। टीपू ने एक तरफ रियासत की मजबूती के लिए तो दूसरी तरफ आवाम की बेहतरी के लिए बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन अंग्रेज की साजिशों अदरबारी को गद्दारी की वजह से ज्यादातर हुकूमत करने का मौका नहीं मिल सका। फिर भी उसने जो कारनामे अंजाम दिए वो हमारी तारीख का एक हिस्सा है। बच्चों, इस कहानी इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि टीपू की तरह हमें भी वतन परस्त होना चाहिए। बच्चों, इस सबक में बहुत सारे मुश्किल अल्फाज आए हैं, लफ्ज अमानी, उसे मैं लिख दे रहा हूं, इसे आप लिखिए। हुक्मनामा लिखिए, हुक्मनामा माने हुकूमत करने वाला। दूसरा लफ्ज है इक्तदार। इक्तदार का लिखिए अख्तियार। प्यारे बच्चों, मैंने मुश्किल लफ्ज और उसके मानी लिख दिया है, इसे लिखिए। हुक्मरान मींस होता है हुकूमत करने वाला, इक्तदार मींस अख्तियार, जेर करना, काबू करना। हुक्मरानी मींस हुकूमत, कुवत मींस ताकत, कायल करना, बाहिम्मत, तख्त नशी होना, तख्त पर बैठना यानी गद्दी पर बैठना, तख्त माने गद्दी। गद्दारी मींस धोखा, मोहलत मींस फुर्सत, उलूम माने इल्म की जमा, उलूम इल्म की जमा। अब वक्फ करना मानता है खुदा के नाम पर छोड़ना, छोड़ देना। तो बच्चों, इसे लफ्ज मानी लिख लीजिए और अगले क्लास में फिर हम हाजिर होते हैं और मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर यानी कि सवाल और जवाब लिखवाऊंगा। आप लोग कॉपी या कलम लेकर तैयार रहिएगा, अगले क्लास में मैं इस लेसन का क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा। 5 क्वेश्चन है वो लिखवाऊंगा, फिर खाली जगह है और फिर जुमले में इस्तेमाल करना है, ये अगले क्लास में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।